कंफर्टेबल होगा? नो सर, मेरे घर से बहुत दूर है तो मैं आ नहीं पाऊंगी शालीमार। एक्चुअली जब ये बैच शुरू किया था ना मैंने, स्टार्टिंग में कब शुरू किया था, शायद मार्च या अप्रैल में शुरू किया था, तो स्टार्ट मई में किया था मैंने ये। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, मैं एक बार ग्रुप में डालूंगा मैसेज राजेंद्र नगर का, ठीक है? फिर देखते हैं कि कौन कौन बच्चा आ सकता है। अगर मान लो मैक्सिमम बच्चे उधर आ सकते हैं तो उधर ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, चलो तो अभी मैं आपको पहले दो तीन क्वेश्चन ऐसे करवा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा स्पीड से करेंगे आप। मैं आपको फंक्शन दूंगा जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा, और मैं आपको एक गिवन कंडीशन भी दे दूंगा जिसको आपको यूज करके सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनाना होगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं केस स्टडीज बेस्ड। क्वेश्चन है, आप लिखिए। दो नंबर है एक्स और वाई जिनका सम 14 है, ठीक है? आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ इनके स्क्वायर्स के सम की। चलो जी एक बार करके देखो आप, नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगा। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और एक्स और वाई का सम 14 होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? स्टार्ट करो, इसको एक फंक्शन मान लो, दैट एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फंक्शन हो गया, दो वेरिएबल में है। अच्छा आप इसमें से वैल्यू किसकी निकाल रहे हो मुझे बता दो, वाई की या एक्स की? की वाई की निकाल रहे हो, मैं भी निकाल लेता हूँ ना फिर। तो वाई की वैल्यू है 14 माइनस एक्स, और इसका नाइनटी कोसाइन एट 98। ओके लेट मी चेक। यस 98 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है? बिल्कुल। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अभी देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसका करोगे 2 पावर आगे आ जाएगी, 14 माइनस एक्स की होल पावर 1 हो जाएगी, और ब्रैकेट का भी करना पड़ेगा आपको तो -1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, या चलो छोड़ो इसको, इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल रखते हैं। चलो अब जब 0 के इक्वल रखेंगे तो मालूम क्या होगा, ये 2x इक्वल टू में चला जाएगा ये पूरा पोर्शन, क्योंकि नेगेटिव है ना, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये ऐसे। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला x x में प्लस करोगे 2x, 2x आया 14, so that implies x आ गया 7। अब मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है ना मिनिमम वैल्यू, तो ये लोकल मिनिमा ही होगा। छोड़ो आप सीधा x की वैल्यू 7 यहाँ पे रखकर, अब आप लिख दो यहाँ पे सीधा मिनिमम वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 49, मिनिमम वैल्यू है इसकी 90। 98 से कम वैल्यू नहीं हो सकती अगर एक्स और वाई का सम 14 रखा जाए तो। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो भाई मेरे को। तो हाँ जी बोलो। मेरा से एक सिंपल वो है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं हम, इसमें वो अच्छा क्यों निकालते हैं मुझे समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार ना पूरा फाउंडेशन बताता हूँ। देखो हमें एक फंक्शन गिवन होता है, हमसे कहते हैं भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलो जी हो गया डिफरेंशिएशन, फिर क्या करते हैं उस फंक्शन को जो डेरिवेटिव करके आता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू आ जाती है, मान लो 2 वैल्यू आती है, सपोज करते हैं 2 वैल्यू आ गई, हमको नहीं पता कि फंक्शन की वैल्यू ए पे मैक्सिमम होगी या बी पे मैक्सिमम होगी, ये बात हम नहीं जानते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक्स की जो पहली वैल्यू है उसको पुट करते हैं, जैसे हमने ए पुट किया, और आंसर देखते हैं क्या आया। मान लो आंसर नेगेटिव आया, अगर आंसर नेगेटिव आया तो जो एक्स इज इक्वल टू ए है जिसको आपने यहां पुट किया था, ये होता है लोकल मैक्सिमम। और इसी तरह से जब आप सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर बी पुट करते हो, और सपोज करो ये पॉजिटिव आया, तो फिर एक्स इज इक्वल टू बी होता है आपका लोकल मिनिमम। मतलब
बी पॉइंट रखने से आंसर मिनिमम आएगा और ए रखने से फंक्शन में आंसर की मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये एक्चुअली मैंने पूरा लिखवाया आपको, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर अगर एमसीक्यू मैंने सॉल्व करे तो अगर एक वैल्यू और सेकंड वैल्यू निकालनी है ना? हाँ बिल्कुल नहीं निकालेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको देखना, और जरूरत पड़ती है तो निकाल लेंगे, कितनी देर लगेगी इनकेस अगर पड़ती है जरूरत। तो ये ना एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी मैं आपको आज तो बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर मैं इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको याद करने के लिए। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके कई सारे क्वेश्चन तो विद इन वन और टू सेकंड्स हो जाएंगे, मतलब आपको बस टिक करने में टाइम लगेगा बस। लेकिन अभी थोड़ा सा पहले फाउंडेशन बना लेते हैं। डन हो गया, नोट कर लिया ये? चलो तो ये हमारा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा प्रोसेस। अच्छा अब आप ध्यान से करेंगे, मैं आपको फिर से एक फंक्शन दे रहा हूं, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कॉमा कंडीशन गिवन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव। ये ए बी सी अगर जो तीन नंबर दिए हुए हैं यहाँ यहाँ और यहाँ पे, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ यूज करना हो तो इसका कर लेना। देखें तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ स्टार्ट करो भाई आप लोग। सबसे पहला काम फंक्शन बनाया, फंक्शन बना बनाया बस आपने को एफ लिखा है। अब दो वेरिएबल में फंक्शन है एक्स और वाई, तो ये जो गिवन कंडीशन है एडवाइस करो या मुझे बताओ किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना पसंद करोगे, एक्स की या वाई की? वाई की निकालोगे? चलो वाई की वैल्यू बोलो फिर मैं पुट कर दूंगा c² upon x। अब ये फंक्शन आपका सिंगल वेरिएबल हो चुका है, अब आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू बताएंगे। डिफरेंशिएशन अपने आप करेंगे आप, फिर उसको जीरो के इक्वल रखेंगे ठीक है, और मुझे x की वैल्यू चेक करवाएंगे कि ये आ रही है। अच्छी मैं रिपीट कर दूं, थोड़ा सा लेट आए थे आप, परसों हाइब्रिड क्लास लूंगा मैं, आस्था के लिए मैंने कर लिया अरेंजमेंट, तो आस्था को ऑनलाइन क्लास ही जाएगी, मतलब हाइब्रिड क्लास का मतलब आप लोग आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो, वेन्यू मैं आपको बता दूंगा क्योंकि शायद गर्मी को प्रॉब्लम हो जाने में थोड़ा दूर पड़ेगा, शालीमार गार्डन तो रैंडम नगर रख लेंगे। चलो ठीक है सर, क्योंकि अब हम लोग ना सेफ हैं, आसपास कोई हमारे केस है नहीं एक्चुअली, गाजियाबाद में सिर्फ पूरे गाजियाबाद में तीन एक्टिव केस हैं इस वक्त, ओनली थ्री। ओके सर, इसलिए हम लोग बैठेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से ही, लेकिन आप लोग आ जाना। इसमें एक्सट्रीम रूट में आ रही है, आने दो x की वैल्यू रूट में आने दो, रूट बी अपॉन ए। मैं चेक करूं एक बार, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो भाई यहां तो x का 1 हो जाएगा, खाली ये रह गया। अच्छा किसी को 1 / x का डिफरेंशिएशन याद है? बहुत यूज होता है -b c² / x² अजय हाँ आपने जो लिखा है ये करेक्ट है, हां सर, हां 1 / x का डिफरेंशिएशन माइनस ये bc स्क्वायर में, देखो अपनी जगह पे कांस्टेंट है वहीं पड़ा रहेगा, हां नीचे x स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं 0 के इक्वल, तो a इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाएगा a के पास और a जाएगा बी सी स्क्वायर के डिवाइड में, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और x की वैल्यू आएगी होल अंडर रूट के अंदर बी सी स्क्वायर अपॉन a, और वो भी प्लस माइनस में आएगी, दो वैल्यू आएंगी देखो प्लस माइनस में। अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें मैं प्लस वाली वैल्यू लूं या माइनस वाली वैल्यू लूं, क्योंकि मेरे पास दो है, पता नहीं मेरा कौन सा पॉइंट इसमें से पॉजिटिव लेंगे ना सब प्लस लेंगे, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो कंफर्म प्लस लूं? श्योर हो आप लोग? काम करते हैं ना इसका सेकंड डेरिवेटिव नहीं, मिनिमम वैल्यू किसकी? सेकंड डेरिवेटिव की, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव की, तो काम करते हैं इसका डेफिनेशन दोबारा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है नहीं, देखो ये a का तो जीरो हो गया। अच्छा अब किसी को याद है 1 / x² का डिफरेंशिएशन? 1 / x² - 2bc² / x³। यस, तो माइनस पहले से है तो प्लस कर लो भाई,
टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. अब डिसाइड करके बताओ x की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करने से आंसर पॉजिटिव रहेगा, प्लस वाली या माइनस वाली? सर प्लस. प्लस वाली, क्योंकि माइनस वाली अगर पुट करोगे तो भाई क्यूब करने पे माइनस ही आ जाएगा. तो ये लो, मैंने माइनस साइन रिमूव किया, मैंने वैल्यू को प्लस वाला ले लिया. ये मेरा x की वैल्यू है, कंफर्म हो गया है ये मेरा लोकल मिनिमा है. अब पता है आपको क्या करना है, अब मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो आपका काम शुरू होता है यहां से, इस जगह पर. अब आप मुझे x पुट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. ये x यहां पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके बताओ. छोटा सा काम दे रहा हूं जो एलजेब्रा से रिलेटेड है, क्योंकि उसने मांगी है आपसे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू. x तो निकल चुका है, बस आपको x को पुट करना है. इन टर्म्स ऑफ एबीसी आएगी बेटा, जो भी आएगी. तो वैल्यू लोकल मैक्सिमा होती है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकल जाएगी उससे. और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ. देखो हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो हमारा लोकल मैक्सिमा बेकार है हमारे लिए. तो हमने चूज कर लिया एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव आना, इसी से हमको अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो मैंने आपको छोटा सा काम सौंपा है, एक्स की वैल्यू को बस आपको यहां पुट करना है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मुझे बताएंगे आप कि भाई आंसर क्या आ रहा है. बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से हो जाएगा. गुड इवनिंग सर. ये रहा 2 बी सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी सी स्क्वायर अपॉन ए. सिंप्लीफाई करो इसको भी. और केतन तुम अपनी वैल्यू बोलना. सर 2 अंडर रूट ए बी सी सी स्क्वायर. 2 अंडर रूट ए बी सी सी स्क्वायर. दो दो सी आ रहे हैं क्या? देखना एक मिनट, जरा मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ. वैसे तो देखो टू सी रूट ए बी. हाँ ये ठीक आ रही है. देखो कितना आसान काम है, आपको कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जानवी अच्छा आपने मंडे को ज्वाइन किया, मुझे पता चला था. जानवी मेरे को ना अपना ना मेरे को नंबर व्हाट्सएप करो, अभी मेरे को मैसेज में लिख दो, आपसे बात करूंगा. आपका कितना सिलेबस डन है, कितना रह चुका है, मुझे उस हिसाब से ना आपको प्रिपरेशन करवानी होगी. वैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा. एक मिनट में आपका नंबर नोट कर. आप मेरा नंबर भी नोट कर लो. आप मेरा नंबर नोट करो, मेरे पास अभी पेन का चला गया. और मुझे इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर देना चाहिए. अभी नहीं, 9:30 के बाद करना था. 9871482471. आप चिंता मत करो, सिलेबस में कराऊंगा आपका. अच्छा जी रब कर दूं, जानवी नोट कर लिया 9871482471. चलिए तो इसको भी सॉल्व करें. देखो कितना आसान काम है. ये ए है और ये डिवाइड में रूट ए है. ए को रूट ए से डिवाइड किया, भी रूट ए बचा. अच्छा ये सी स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, ये खाली सी बन गया, रूट में रह गया बी. अब आते हैं सेकेंड टर्म में. ऊपर बी है, नीचे अंडर रूट बी है, तो बी अंडर रूट बी से डिवाइड हुआ, अंडर रूट बी बन गया. अच्छा अब देखो ये वाला जो सी स्क्वायर है ये रूट से बाहर आएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है. जैसे ये रूट से बाहर आएगा, इस सी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल करके उसको सी बना देगा. और ये रूट ए पहले से है. अब आप देखो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इनका ट्वाइस कर सकते हो. ट्वाइस ऑफ रूट ए बी इंटू सी, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है. तो मैंने बड़ा आसान काम किया, मैंने एक्स की वैल्यू यहां पुट की, और मुझे भी यहां एक्स की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो मैंने एक्स की वैल्यू को उल्टा करके पुट कर दिया. मतलब रूट ए ऊपर ये रहा देखो, और बी सी स्क्वायर अंडर रूट में नीचे. बस इसको सॉल्व कर दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट ए बी इंटू सी.
बोलो भाई क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, जिसके आने के चांस है, ये हमने एक दो क्वेश्चन समझ लिए किस तरह से होंगे। ये मैं आपके सामने फिगर बनाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर ये एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ये पूरी एक विंडो दी गई है, ठीक है, ये एक विंडो है और यहाँ पे कोई डायमेंशन शो की गई है। ये वाली डायमेंशन एक्स ली गई है, ये वाली, और ये यहां से यहां तक जो इसकी डायमेंशन है ये वाई ली गई है, ऑब्वियस सी बात है ये भी वाई हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एडमिटेड टू द होल ओपनिंग। मतलब हमने मजदूर को बोला भाई दीवार में एक विंडो बना दो, ठीक है, अब विंडो इतनी बड़ी बनाना कि उसमें से जब प्रकाश अंदर आए, लाइट अंदर आए, तो मैक्सिमम लाइट का अंदर आना चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाए जो पैरीमीटर होना चाहिए विंडो का, जो विंडो का पैरीमीटर होना चाहिए वो 10 मीटर से ऊपर नहीं रखना है। अब मजदूर सोच रहा है भी कैसे बनाऊं ऐसी विंडो, शेप तो ऐसी देनी है रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि डायमेंशन कितने कितने के। मजदूर को तो आप जितना बोलोगे वो उतना विंडो बना के दे देगा, वो डायमेंशन नहीं निकाल सकता जिससे एरिया मैक्सिमम हो जाए। भाई आप ये भी नहीं कह सकते हो कि पूरी दीवार खुली छोड़ दो, खूब लाइट आएगी अंदर, लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है पैरीमीटर 10 मीटर रखना है आपको, इसके ऊपर नहीं रखना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको और ये पता लगाना है क्या चीज मैक्सिमम करनी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। अब बताओ लाइट को अगर अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कमरे के अंदर लाना चाहते हैं तो इस विंडो की किस चीज को मैक्सिमम किया जाएगा? एरिया। ऑब्वियसली बात, बिल्कुल ठीक बताया आपने, एरिया। अब हमारा काम है एरिया का एक फंक्शन तैयार करना, बड़ा आसान काम है भैया। तो रेक्टेंगल का एरिया ले लो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया ले लो। सेमी सर्कल का एरिया किसी को आता है? जरा मुझे इस फिगर में देख कर रेडियस और बता दो भाई, फिगर से देख के बतानी है। Yes. भाई ये x जो है तो डायमीटर हो गया विंडो का, तो भाई रेडियस कितनी हो गई? x अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे देखो r स्क्वायर रखूंगा ना, हाफ बाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। पहले आप इतना बताओ क्या इतना क्लियर है, विंडो का एरिया बनाया है? Yes, sir. ठीक है, एरिया का डिफरेंशिएशन करना है। मेरे सामने एक समस्या आ रही है, इसमें दो वेरिएबल है x और y। देखो x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा ऐसी क्या चीज है जिससे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी? क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज दी हुई है क्या? क्या दिया हुआ है? सेपेंड दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर हमारी हेल्प करेगा एक्स और वाई में से किसी को एक डिसॉल्व करने में। चलो जी, आपको पता है किसी भी फिगर का पैरामीटर कैसे निकलता है? किसी भी फिगर का पैरामीटर सम ऑफ ऑल द आउटर डायमेंशंस, जो बाहर बाहर की डायमेंशंस होती है ना, उन सबका सम। तो एक काम करो, किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया, यहां से गए ये x हो गया, फिर यहां से ऊपर जाएंगे ये y आ जाएगा, ठीक है ना, फिर यहां से ये ऊपर ऊपर चलेंगे गोलाई में, देखो ऐसे सर्कमफेरेंस के थ्रू चलेंगे, ये आ जाएगा और फिर ये दोबारा से y आ जाएगा। तो पैरीमीटर 10 इक्वल टू हो जाएगा, दो तो y आएंगे, एक x आएगा और एक ये सर्कमफेरेंस आएगी। सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? सेमी सर्कल। हाँ, मतलब कि 2 पाई आर तो पूरी होती है, तो आधा कर लिया आपने, है ना, पाई आर।
तो आर तो आपका एक्स अपॉन टू है। अब बताओ इसमें से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आपको पसंद है, वाई निकालू या एक्स निकालू, जो आसान लगता है वही बताना। एक्स निकालना तो मुश्किल है सर, वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल सकते हैं ना। हाँ भाई देखो एक्स निकालोगे ना आप ही फंस जाओगे, एक्स को यहाँ भी पुट करना पड़ेगा फिर यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, बेटर है वाई निकालते हैं। देखो टेन माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन टू, ये हो गया इक्वल टू टू वाई, और अब टू से सबको डिवाइड कर दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो वाई की वैल्यू फाइव माइनस एक्स अपॉन टू, डिवाइड बाय टू क्यों किया ये कह रहे हो यहाँ पे ना, ये सिर्फ पाई आर होगा ना। हाँ पाई आर होगा, जरा आर बताना कितनी है रास्ता, आर तो एक्स बाय टू है ना। ठीक है आगे क्लियर हो गया। यस भाई मैंने भी पाई आर ही लिया है लेकिन आर ही मेरी एक्स अपॉन टू है, क्या करूं मैं, तो इसलिए एक्स अपॉन टू लिखा है मैंने। अब बताओ ये y की वैल्यू क्लियर है सबको? यस सर। अब पता है आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को उठाना है और ये जो एरिया के ऊपर फंक्शन तैयार पड़ा हुआ है ये वाला, इसमें यहाँ पे y की वैल्यू पहले पुट करनी है, थोड़े से ब्रैकेट शैकेट खोल देना जरा, ठीक है ना। x में एक आराम से इक्वेशन तैयार करके फंक्शन रेडी हो जाएगा आपका, उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन करना है भाई, जरा करे जरा इसके आगे। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, y की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है, y की वैल्यू आप अपने एरिया वाले फंक्शन में पुट करो, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लेना जरा थोड़े से, और फिर डिफरेंशिएशन करना, सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, और उसको जीरो के इक्वल रखकर मुझे जरा एक्स चेक करवा लेना क्या है। पाई को पाई चलने देंगे, ये जो विंडो वाला क्वेश्चन है ना, जितने मैंने सैंपल पेपर देखे हैं अभी, मेरे पास कई सारे पीडीएफ्स हैं, हर सैंपल पेपर में दिया हुआ है, हर सैंपल पेपर में, क्योंकि इसकी केस स्टडी आराम से बन पा रही है, इसलिए करो ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं होता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। जब तक मैं एक बिस्किट खा लेता हूँ मुझे भूख लगती है। सर x इक्वल्स टू 20 इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा आंसर। सर x इज 4 अपॉन 3 पाई, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको मैं एक बार ना टर्न करूंगा पेज। एरिया इक्वल्स टू था x इनटू y, y की वैल्यू थी 5 माइनस x अपॉन 2 और क्या थी माइनस पाई x अपॉन 4। अभी मैं इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर रहा हूँ, देखो ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस ये पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 मेरा सेम है। मुझे इसमें दो टर्म सॉल्व होती भी नजर आ रही है, मैं करूंगा इसलिए उन्हें, ये 5x x स्क्वायर अपॉन 2 सेम, ये लास्ट वाली दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो सकती हैं। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस करोगे तो भाई ये बचेंगे
माइनस के पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन टू है या फोर है? ये फोर है ना, ये तो गलत हो, ये तो फोर है ना, मैंने टू लिख रखा है। देखो ना ये रहा ना, ये वाई निकाला था ना हमने यहाँ से, पहले तो ये x इधर माइनस में आया, फिर ये पाई x अपॉन टू माइनस में आया, ये सारे माइनस में आ गए, देखो इधर रह गया 2y, फिर 2 को हटाया तो 2 कहाँ गया, सबके डिवाइड में चला गया था वो, तो 10 के डिवाइड में गया 5 बन गया था, x के डिवाइड में गया x अपॉन टू बन गया था, देखो ये, और पाई x अपॉन टू पाई x अपॉन फोर बन गया था, सब 2 से डिवाइड हो गए थे। मिस्टेक हो गई सर, वो 2 की जगह 4 लिख, 4 की जगह 2 लिख दिया मैंने। चलो उसको कैट करके देखो जरा, अब मैं देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, a डैश 5x का सिंपल 5, x स्क्वायर का 2x होता है, नीचे 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस पाई x स्क्वायर में हो जाएगा 2 पाई x अपॉन 8, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 4 कैंसिल, अब इसको रख दिया मैंने 0 के इक्वल, तो 5 इक्वल टू x प्लस पाई x अपॉन 4 आ गया, एलसीएम लिया मैंने 4, यहाँ पर आ गया 4x प्लस पाई x इक्वल टू 5, 5 इंटू 4 किया 20, इधर से x कॉमन लिया 4 प्लस 5, और ये लो जी x की वैल्यू मेरी आ रही है 20 अपॉन 4 प्लस 5, चेक करो भी बताओ। यस सर, यही आ रही है, यही आ रही है, तो भाई एक डायमेंशन निकल गई, और कोई x की वैल्यू आ नहीं रही है, इसलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, है ना, क्यों, a की वैल्यू तो आ रही है, यही होगी लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा इन द सेंस इस x की वैल्यू पे आपका एरिया मैक्सिमम रहेगा। अब एक काम आप छोटा सा ये कर दो, x की वैल्यू तो फाइनल हो गई है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके इन दोनों जगह पे सिंप्लीफाई करके y और बता दो, तो क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा, डायमेंशन पता चल जाएंगे, डायमेंशन तो पूछिए उसने रेक्टेंगल की, विंडो की लेंथ और ब्रेड बता दो, तो बस x तो निकल ही गया है, अब x की वैल्यू को पुट करना है सिंपली आपको, मेरे को कोई मुश्किल नहीं था, y पुट करा, ब्रैकेट खोले, दो टर्म्स को सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट कर दिया, थोड़ा जल्दी आप वाई निकाल रहे हो सबको? यस। वाई की वैल्यू 10 अपॉन 5 plus 4. चेक कर ले, 5 minus x upon 2, x की वैल्यू आ रही है 20 upon 5 plus 4, फिर क्या था minus, minus क्या था एक बार देख लेते हैं, minus pi x upon 4 है ना, तो pi upon 4 को साइड में रख लेते हैं, into x की वैल्यू, तो 2 से ये cancel 10 times, 4 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, सबका एलसीएम एक साथ 5 प्लस 4, यहाँ पर आएगा 5 5 प्लस 20 माइनस 10 और माइनस 5 5, 5 5 5 5 कैंसिल और 5 की वैल्यू आ रही है 20 माइनस 10, 10 अपॉन 5 प्लस 4, ठीक बता रहे हो आप, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन खत्म। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है या विंडो की जो डायमेंशन है वो इतनी और इतनी रखने से आपकी जो विंडो का साइज होगा मतलब जो एरिया होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और किसमें, गिवन पैरामीटर, 10 मीटर के अंदर अंदर पैरामीटर के अंदर अंदर आपकी विंडो मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएगी। बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछो आप, कोई भी डाउट।
है, तो अगला क्वेश्चन पे अब आप लोग ट्राई करो, ठीक है, मैं आपको फिगर दूंगा फिर का। ऐसे क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 5। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, डायमेंशंस मैं आपको दे रहा हूं, 45x18 सेंटीमीटर की ये शीट है। इसमें से आपको क्या करना है, चार कॉर्नर है ना शीट के, वहां से चार सेम साइज के स्क्वायर कट करने हैं। एक स्क्वायर मान लो ये, एक स्क्वायर ये, चारों बिल्कुल सेम साइज के, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये आप एज्यूम कर रहे हैं चारों सेम साइज के, ठीक है, इनको कट करना है। उसके बाद जो शीट बचेगी, शीट कुछ आपकी ऐसे बचेगी, ये ऐसे आ जाएगा, ये कुछ ना ऐसे बचेगी शीट। फिर इसके जो ये फ्लैप्स हैं, इनको फोल्ड करके एक आप ओपन बॉक्स बनाएंगे, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। इसको फोल्ड करके आपको उस बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है ये जो स्क्वायर आपने यहाँ पे कट किए हैं इसकी साइड कितनी है, चारों तरफ से सेम कट किए हैं, वो साइड कितनी रखनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द कॉर्नर्स फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट। हाँ जी बोलो, डाउट बोलो। ओपन बॉक्स बनेगा, एक क्यूब बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, आप बताएंगे। ये तो आप सोचो, मैंने तो आपके सामने फिगर शो कर दी। हाँ मैं आपको चलो थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ, ये लो, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप ये सारे स्क्वायर सेम साइज के हैं, आप सबकी स्क्वायर की साइड को एक्स मान लो, ठीक है, मान लो ये एक्स साइड के स्क्वायर कट हुए चारों तरफ से, तो आपको मालूम है जब ये कट हो जाएंगे, ये चार कॉर्नर यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये कितना होगा, ये मालूम है, 45 minus 2x होगा। इसको फ्लैप को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना, ये कितना होगा, अच्छा बताओ, ये वाली साइड 18 minus 2x होगा। इस फ्लैप को ऐसे फोल्ड कर देना, ये बॉक्स की ब्रेड्थ हो गई, और बॉक्स की हाइट दिख रही है आपको, x करेक्ट, क्योंकि ये xx होंगे चारों तरफ से, ये थोड़े छोटे बड़े फिगर में बन गए हैं मुझसे, लेकिन ये सब सेम एक्स होंगे। अब बताओ बॉक्स कैसा बनेगा, क्यूबिकल होगा या क्यूबॉइड होगा, मैंने आपको बताया दिया कैसा है, देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट देखो थी मैंने आपको, क्यूबॉइड होगा है ना। चलो अब देखो मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू सॉरी ऑफ वॉल्यूम, मुझे बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम का एक फंक्शन तैयार करना है, तैयार करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, उसको फिर जीरो से इक्वेट करना है। करो अपने आप करो, कोशिश करो, आपको टाइम दिया मैंने, पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स रेडी करो क्या आ रहा है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे।
वॉल्यूम का फंक्शन बन गया या अभी नहीं बना है? वो तो बन गया, एक बार जरा चेक कर लेना, अभी मैं ही बना देता हूँ। वॉल्यूम होता है सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ है 45 माइनस 2x, ब्रेथ है 18 माइनस 2x और हाइट है x। ये है जी फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ये तो तीन तीन ब्रैकेट है, x को एक ब्रैकेट से, एक x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ मत करो, मेरी तरफ से तो खुली झूठ है, ऐसे मर्जी करो, लेकिन मत किया करो। तीसरा ब्रैकेट अगर ऐसी होता मान लो जैसे दो है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तीन ही तो हैं, क्या प्रॉब्लम है? पहले ब्रैकेट का करते हैं, चलो 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, बाकी के दोनों ब्रैकेट सेम होता है, प्लस लगाओ। अब सेकंड ब्रैकेट का कर लो, 18 माइनस 2x का करोगे माइनस 2, बाकी पहला और तीसरा ब्रैकेट सेम होता है, ये पहला और तीसरा। अब तीसरे वाले x का कर लो, वो तो वैसे ही बन गया, बाकी के दोनों ब्रैकेट सेम होता है, क्यों टाइम पर मल्टीप्लाई मतलब वेस्ट कर रहे हो? बाकी तो देखो मर्जी है आपकी, मैंने तो तीन फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, सारे ब्रैकेट को, माइनस 36x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 45 इनटू 18 कितने आ रहे हैं? वो 36x क्यों होगा? 8 माइनस 2x है ना, देखो इसको मल्टीप्लाई 18 से नहीं करोगे, x ही है ना हमारे यहाँ पे। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? माइनस 90x माइनस 36x प्लस 4x स्क्वायर, भाई सारे खोल दिए, सारे x स्क्वायर प्लस कर लो, चार चार आठ चार 12, तो x स्क्वायर आ रहे हैं। x वाले सॉल्व कर लो, माइनस 36 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 36 कितने हो गए? 126 तो ये हो गए, और कांस्टेंट डिजिट बची इसमें खाली 810 बची, इसको रख लो इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक तो बन गई है भाई, कॉमन निकाल के देखें जरा, कुछ कॉमन आएगा थोड़ा आसान हो जाएगा। 12 कॉमन आ रहा है, देखना जरा, क्यों 12 कॉमन नहीं आ रहा? 12 एग्जैक्टली कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लो ना, और क्या छोटा हो जाएगा, आप ही को छोटा पड़ेगा। देखो ये x स्क्वायर बचा, 12 2 जा 24, ये 21x हो गया, ये 12 6 जा 72, और बचे यहाँ पे आपके 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 ले लेते हैं, सही कह रहे हो आप, 12 कॉमन नहीं आ रहा है। ये 2x स्क्वायर, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6 21 हो गया, 6 3 जा 135 इक्वल टू 0। ठीक कह रहे हो भाई, इसके तो मतलब इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, डायमेंशन मैंने सही नहीं है क्या 45 और 18? एनीवेज आप यहां से x निकाल लोगे ना, मान लो कोई डायमेंशन एक्चुअल आती है तो आप डायमेंशन निकाल लोगे ना, मतलब x निकालना है बस, x की वैल्यू निकालते ही क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमम बन जाएगा, और फिर उस x की वैल्यू को वॉल्यूम में डालना पड़ेगा। मैं बस देख लेता हूँ, मैंने कोई डायमेंशन गलत तो नहीं दिया आपको, पर
वैसे ये आगे कर लोगे ना, मान लो मैं इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपकी एक्स की वैल्यू आएगी जो अंडर रूट में। तो इसमें आप मुझे ना उसके बदले आप एक क्वेश्चन ये बता दो फटाफट से जरा बना के, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ये इस बार स्क्वायर शीट ऑफ 10 है, ये स्क्वायर शेप में शीट है 10 की बनी हुई, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, इसकी चारों तरफ से साइड नहीं 18 नहीं 24 लो आप, ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इसको भी आपको बॉक्स में कन्वर्ट करना है बाय कटिंग 4 स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, यहां से एक ये स्क्वायर कट करना है, फिर एक यहां से कट करना है सेम साइज के, फिर एक यहां से कट करना है स्क्वायर सेम साइज का, और फिर एक यहां से कट करना, ठीक है। ये चार स्क्वायर कट करके फिर वही करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है जो ओपन बॉक्स बनेगा, और मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देना है। करो शीट से चार स्क्वायर कट करने के बाद शीट को फोल्ड करके ना बॉक्स बना दो, और बॉक्स की लेंथ ब्रेड हाइट देख लेना जरा क्या। ये मैंने ना देखो बॉक्स पूरा बना दिया, दिखाने के लिए मेरा भी 5 आ रहा है। अच्छा चलो ये बताओ बॉक्स की लेंथ क्या ली है, ये तो बताओ। तो 24 माइनस 6 और एक एक्स, ये 24 माइनस 2x लेंथ हो गई, इधर से ये भी 24 माइनस 2x ब्रेथ हो गई, और हाइट आपकी ये वाली x हो गई, है ना, यही है ना। वॉल्यूम बनाते हैं, L इंटू B इंटू H। इस पर खास बात यह है ये जो L और B है सेम है, तो आप इस पे होल स्क्वायर लगा सकते हो चाहो तो, ये ऐसे बन सकता है। सर x की वैल्यू क्या आई थी, मैंने अभी तक बताई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ कोई मुझे सही वैल्यू बता दे। सर 12 आ रही है मेरी। 12 तो बेटा पॉसिबल नहीं है, सोचो अगर आप x की 12 वैल्यू रख लो तो बॉक्स की लंबाई तो जीरो हो गई, 24 माइनस 24 बॉक्स कैसे बनेगा फिर। हाँ सर है ना, 12 तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 और 8 में से देख रहा हूँ मैं अब क्या पॉसिबल है, ये सारे स्क्वायर हमने x साइड के मान लिए, अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ देख लेना भाई। पहले मैं होल स्क्वायर का करूंगा 2 पावर आगे, और ब्रैकेट का अलग से भी करना पड़ेगा -2, ये वाला x बाहर रहेगा, प्लस अब 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ेंगे, x का करेंगे, x का तो 1 हो गया। अब एक काम करते हैं पहले कॉमन ले लेते हैं जरा, 24 माइनस 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4x बचा, प्लस यहाँ पे बचा 24 माइनस 2x, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या बचा, कॉमन तो आ चुका है 24 माइनस 2x है ना, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 24 माइनस 6x,
इक्वल टू जीरो. अब बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो 12 और दूसरी बताना 4. तो बताओ आपके फिर 12 और 5 कैसे आ रही है, मेरी तो 12 और 4 आई है. देखो मैंने भी सिंपल कैलकुलेशन की आपकी तरह. अब मेरे को मालूम है 12 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 12 तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है ना, इसको क्रॉस मारो, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो पता चल गया भाई एक्स की वैल्यू 4 रखनी होगी हमें, ये वैल्यू है, हाईलाइट कर लो वैल्यू. मतलब 24 की अगर शीट है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कट करने से आपका जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. अब चलो वॉल्यूम तो बता दो कितना होगा, एक्स की वैल्यू 4 पुट करके वॉल्यूम बता दो. अब ये रहा वॉल्यूम 16. कैसे, ये वॉल्यूम है जी, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन किया है आपने, एक्स की वैल्यू 4 यहां पुट करके 16 कैसे आएगा, जरा सॉल्व करना दोबारा. 64 आ रहा है. वो भी देखो जरा, 24 स्क्वायर है, हाँ होल स्क्वायर भी तो है, और फिर 2x भी है. यस यही आ रहा है. सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिख देना, वॉल्यूम है भाई क्योंकि है ना. तो x की वैल्यू 4 रखने से वॉल्यूम मैक्सिमम बनेगा, और अगर वॉल्यूम चाहिए कितना होगा तो 24 माइनस 8 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256. 256 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4, 256 को मल्टीप्लाई 4 से करो, 1024 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस शीट से 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करने के बाद जो बॉक्स बनाया जाएगा उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बता सकते हो आप, वॉल्यूम बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो. आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, आपने वॉल्यूम बता दिया, 1024 सेंटीमीटर क्यूब. बोलो जी क्लियर. यस सर. यस सर. चलो तो हम लोग ना अभी एक क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से ना किसी क्वेश्चन की केस स्टडी बन के आ सकती है. तो मैं परसों आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की केस स्टडीज करवा दूंगा, फिर हम मैक्सिमम मिनिमम को वाइंड अप कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, या तो पार्टनरशिप कर लेते हैं या मिक्सचर से एलिगेशंस कर लेते हैं, कोई भी टॉपिक कर लेते हैं. ओके सर. चलो फिर हम लोग परसों मिलते हैं. ओके सर. थैंक यू सर. जी ओके. जय. टेक केयर.